वाह, आ गए आप सारे लोग। तो फिर अर्ज किया है भाई, हीर रांझे को रो रो के कह रही है कि तुम्हारी अदाओं पे मैं वारी वारी, भाई तुम्हारी अदाओं पे मैं वारी वारी, अब चूल्हे से उतर भी जा, चूलने की अब मेरी बारी। वाह 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 सर जी, मोर मोर कह रहे। नहीं नहीं, मोर मोर नहीं, मारो मारो कह रहे। और शेर सिंह, तुम्हारी शक्ल कहाँ मोर जैसी है, तुम तो कौए जैसे दिखते हो, तो कौए जैसा उड़ के दिखाओ। ठीक है सर जी, जैसा हुक्म मालकों का। वेरी गुड लाल भाई। लाल भाई, ओ लाल भाई, आ गए आप। अब बताइए क्या चाहिए आपको खागरा भाई। अरे क्या हुआ, छोड़िए ना, हमेशा मांगने थोड़ी आते हैं। ये बताइए दिन कौन सा है? क्यों, आज शादी की सालगिरह है आपकी? अरे भाई क्यों खर्चा बढ़ाने की बात कर रहे हो, वो सुन लेगी। दिन बताओ ना। मंगलवार। अरे हाथ हटाइए, मंगलवार। मंगलवार ना, तो फिर इसमें से एक उंगली पकड़ो। क्या बच्चों जैसी गेम खेल रहे हैं आप? अरे पकड़ो तो सही, बहुत मजा आएगा। अच्छा ठीक है, अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे वो 80-90 पूरे 100-100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। अरे मुझे मालूम ही था आप ये वाली उंगली पकड़ोगे, बेसन वाली, बूंदी वाली नहीं। थोड़ा 4-5 किलो बेसन मिलेगा। आगरा भाई, मंगलवार हो या बुधवार, आपके मांगने के वार से कोई नहीं बच सकता। हमारे बाबूजी ने ही हमें सिखाया है कि कोई अगर मांगने आए तो उसे निराश नहीं करना चाहिए। तो लेके आओ। सुन लिया आपने? तो बड़े स्वीट मानस है। अरे लगी तो नहीं बाबा? लगी तो थी हम पर एक बार, दफा कौन सी थी जरा देखें। क्या दफा होने दो। क्या ये लाल बहादुर सिंह का घर है? आपकी तारीफ बनती तो बहुत है लेकिन लोग करते कम हैं। वैसे हमें एडवोकेट चड्ढा कहते हैं, 40 साल से केस लड़ रहे हैं। 40 साल? तो बहुत सारे केस लड़े होंगे। ना ना, सिर्फ एक अपना। क्या है कि 40 साल पहले किसी ने हम पर इल्जाम लगाया था कि हम वकील नहीं हैं। तब से हम वही केस लड़ रहे हैं, लेकिन अब हमारा केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में आ गया है, इसलिए हम हर काम फास्ट ही करते हैं। तो जल्दी से बताइए कि लाल बहादुर सिंह कहाँ है? हम यहाँ हैं। ये लीजिए खागरा भाई, बेसन। आप कौन? हम हैं एडवोकेट चड्ढा। आप यहाँ कैसे आए? भाई पहले हमने ट्रेन पकड़ी, उसके बाद हमने रिक्शा पकड़ा, उसके बाद स्कूटर वाले से लिफ्ट मांगकर यहाँ तक चले आए। वैसे नहीं, आप यहाँ किस काम से आए हैं? जैसे ये बेसन लेने आए थे। हाँ, आप क्या लेने आए? अरे हम कुछ लेने नहीं बल्कि देने आए हैं, वसीयत देने आए हैं। कैसी वसीयत? आपकी नानी की वसीयत। कौन सी नानी? राजगढ़ वाली नानी, जो मरने से पहले अपनी सारी जायदाद आपके नाम कर गई थी, वो वाली नानी। हमारी नानी? अरे एक मिनट वकील भाई, ए लाल भाई इधर आइए। अरे नानी हो क्या कानी, आपको क्या फर्क पड़ता है? अरे ये तो राजगढ़ की नानी है, किसी रानी से कम नहीं होगी। पूरी जायदाद आपके नाम छोड़ के गई है, तो 2-5 करोड़ तो आपको मिल ही जाएंगे। नानी होता है, होता है, होता है। नानी तुम हमें छोड़ के कैसे चली गई? नानी हो गया। वकील साहब जी, अब जल्दी से हमें बस नानी की वसीयत और जायदाद दे दीजिए। देखिए वो भी दे देंगे, पहले ये प्रूफ तो कीजिए कि आप लाल बहादुर सिंह हैं। अरे इसमें प्रूफ क्या करना है भाई? अरे ये लाल बहादुर सिंह है, मैं बोलता हूँ मैं ये ही लाल बहादुर सिंह है। कोई लिखित प्रमाण है आपके पास? मानेंगे नहीं, लाओ पेन पेपर दो, लिख के दे देता हूँ कि ये लाल बहादुर सिंह है। अरे सरकारी सबूत चाहिए। ओ वैसा, हाँ ये है ना हमारे पास। क्या है? ये देखिए ड्राइविंग लाइसेंस,
हाँ। देखिए वसीयत में तो लिखा है लाल बहादुर सिंह हाँ। और लाइसेंस में लिखा है लाल सिंह हाँ। तो बहादुर कहाँ गया? बहादुर तो हम पहले थे ना वकील साहब। मतलब फिर हमारी शादी हो गई और शादी के बाद कौन सा आदमी बहादुर रहता है? वो बात तो ठीक है, लेकिन अगर तुम बहादुर नहीं हो तो वसीयत नहीं मिलेगी। वकील साहब ऐसा मत कहिए, हमारी नानी की वसीयत हमें दे दीजिए। ये ले लीजिए। ये नहीं वसीयत। देखो ये वक्त रोने का नहीं है बल्कि हाथ धोने का है। हाथ धोने का क्यों? हम क्यों हाथ धोएंगे? नहीं नहीं आप नहीं, हम हाथ धोएंगे क्योंकि अब हम नाश्ता करेंगे। है? आप नाश्ता भी करेंगे? अरे भाई वसीयत लेकर आए हैं तो क्या नाश्ता भी नहीं करवाएंगे? एक मिनट लाल भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? ये आप क्या कर रहे हैं छी छी? अरे भंडा फोड़ देंगे आप, मेरी बात सुनिए। आप वकील भाई को अटेंड करो, मैं फटाफट टका टक नाश्ता लेके आता हूँ, 60 रुपए की प्लेट वाला। क्या? आपके लिए फ्री है भाई। तो फिर हम आराम कर लेते हैं। है? आप आराम भी करेंगे? है? मतलब आप रेस्ट करेंगे और हम 10वीं का सर्टिफिकेट लेकर आते हैं? वही तो। खंडवी 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 खंडवी। हो, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? आपका घी कोई खा गया है क्या? अरे शुभ शुभ बोल, मेरा जरा सा घी कोई सूंघ भी लेगा ना तो मैं आग लगा दूंगा। चिल्लाना तो दूर की बात है। अरे तू वो सब पंचा छोड़ने हैं, तू फटाफट 4 ढोकला और चटनी लेके नीचे आ जा, लाल भाई के गेस्ट आए हैं। क्या हो गया आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है नहीं? अरे आप खुद के घर में भी फ्री में खाना नहीं खाते हो, अब लाल भाई के मेहमान के लिए 4 ढोकला फ्री में चटनी ले जाने की बात कर रहे हो? अरे वो मेहमान नहीं है, वकील है। तो? वो वकील वसीयत लेके आया है जिसमें लाल भाई के नाम उसकी नानी ने पूरी जायदाद कर दी है। तो उसमें हमें क्या मिलेगा? अरे गांडी, लाल भाई करोड़पति मानस बन जाएंगे तो जिंदगी भर हमसे किराया नहीं लेंगे। दूर की सोच, दूर की सोचे। हाँ। तो आजा नीचे फटाफट ढोकला लेके। हल हल ये वकील साहब तो रेस्ट करने बैठे थे, कहीं ये रेस्ट इन पीस तो नहीं हो गए? नहीं नहीं नहीं, वकील साहब उठिए, आप सो गए थे क्या? एडवोकेट चड्डा सोता नहीं है, झपकी लेता है। अच्छा। हाँ तो भाई मिल गया सबूत? वो 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं मिला। 10वीं पास भी की थी आपने? कैसी बात कर रहे हैं आप, 10वीं क्या, हमने तो कॉलेज भी पास किया है। रोज साइकिल पे बैठ के कॉलेज पास करते थे, लोगों को हवा भी नहीं लगी कि हम पास हो गए हैं। एक काम कीजिए, वसीयत भी पास कर जाइए, क्योंकि बिना सबूत के वसीयत तो मिलेगी नहीं। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है वकील साहब, हम कोई सबूत ढूंढ कर लाते हैं। नाम गुम जाएगा, जम, 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 चेहरा ये बदल जाएगा, जम, 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 मेरी आवाज ही पहचान है अगर याद रहे। वैसे आपकी पहचान मांग कौन रहा है? हम तो लाल बहादुर सिंह की पहचान मांग रहे हैं। देखा अनु, अरे हम तो वैसे ही इतने फेमस हैं कि किसी को हमारी पहचान की जरूरत ही नहीं है। आप हैं कौन और यहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए हम संगीतकार हैं, अनु मलिक, झूठ क्यों बोलूं? आप बताइए कि आप यहाँ आए किस लिए? वसीयत ने बुलाया इसलिए। आए हैं तो काम भी बताइए। ना ना ना, पहले आप सबूत लेकर आइए। कौन सा सबूत बे? इस बात का सबूत कि घर में जो लाल सिंह रहते हैं वो दरअसल लाल बहादुर सिंह हैं, ताकि उन्हें उनकी नानी की जायदाद मिल जाए। जायदाद? जी जायदाद। हाँ जी जायदाद नहीं, जायदाद जी जी। हाँ जी जायदाद जी फीमेल है ना, और ऊपर से खानदानी भी है, तो हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, इसीलिए जायदाद जी जी। वैसे जायदाद जी है किसकी और किसे मिल रही है? राजगढ़ वाली नानी की है और हमें मिल रही है। सच? हाँ। अरे
आपको जायदाद जी मिलने वाली है। हाँ, लेकिन एक समस्या है श्रीमती जी। हम जानते हैं आपको यही टेंशन हो रही है ना कि इतनी बड़ी जायदाद जी आप अकेले कैसे संभालेंगे। ना ना ना, चिंता मत कीजिए, हम ना मिलकर संभाल लेंगे। हाँ लाल भाई, हम ना मिलकर संभाल लेंगे। हाँ लाल भाई, हम ना मिलकर संभाल लेंगे। हाँ लाल भाई, हम ना मिलकर संभाल लेंगे। क्या? और मिलकर संभालने से जायदाद जी कम भी हो जाएंगी। क्या बोल रहा है? मतलब आपका बोझ कम हो जाएगा। झूठ क्यों बोलूं? हाँ, और मुझे तो लगता है कि राजगढ़ वाली नानी कम से कम 1 करोड़ रुपए तो छोड़ के गई होंगी। जब देखो तब हमारी मार्केट डाउन करने में लगा रहता है। राजगढ़ की नानी है, रामगढ़ की नहीं। कम से कम 200-300 करोड़ छोड़ के गई होंगी। बता नानू। बता ना भाई। अरे वैसे ये बताओ कि आप तो नाश्ता लेकर आने वाले थे। अरे रे रे रे, बहुत उतावले हो आप भाई, ये रहा आपका नाश्ता। वैसे आपके यहाँ नाश्ते के साथ चाय नहीं देते? आखरा भाई, चाय कहाँ है, दूध आपने कहाँ दिया, आपने मांगा कहाँ था? हम आपके लिए चाय लेकर आते हैं। आप चाय नहीं, सबूत लेकर आइए। हाँ, आपके लिए चाय जी हम लेकर आते हैं। चलिए आप ढोकला खाइए ना। चड्डा खाता नहीं, सिर्फ नाश्ता करता है। भाई मैं तो चाहती हूँ कि आप तंदुरुस्त रहो। अच्छा। बाकी बड़ी भयंकर खतरनाक जिंदगी है आपकी। ना ना। इतने केसेस लड़ते हो, लोगों को हराते हो, दुश्मन बनाते हो, कभी भी कोई भी आपको टक्कर सकता है नहीं। मेरे पास आपके लिए क्या फर्स्ट क्लास पॉलिसी है भाई, केस के साथ भी केस के बाद भी, तीन तीन तीन। हाँ वकील भाई, बहुत अच्छा है। मुझे पॉलिसी नहीं चाहिए। अरे नहीं भाई, नहीं पॉलिसी नहीं, लाल भाई बहुत अच्छा मानस है, इतने हेल्पिंग नेचर का मानस है, कभी झूठ भी नहीं बोलते। आप मान लीजिए ना, वो ही लाल बहादुर सिंह है। कानून सिर्फ सबूत मांगता है। वॉशरूम किधर है? वहां कोई सबूत नहीं मिलेगा। अरे मैं अपने लिए वॉशरूम पूछ रहा हूँ। इधर है? उधर है। ऊपर है, और वो भी इंग्लिश। एडवोकेट चड्ढा को गुमराह करने की कोशिश मत करो, मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ। ये लीजिए आपकी चाय जी, रेडी है। अरे ये वकील साहब कहाँ गए? इंग्लिश में। अरे लाल भाई, क्या हुआ, कोई सर्टिफिकेट मिला कि नहीं? अरे नहीं, कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट नहीं मिला जिसमें हमारा पूरा नाम लिखा है, लाल बहादुर सिंह। अरे तो कितने आलसी मानस है, पूरा नाम लिखने में आपका जाता था क्या? No, man. हाय राम, अब क्या होगा? बस विक्टोरिया, आराम से टूट जाओगी। देखो चश्मा भी टूटने वाला था। वो भी कैटाइ। और विक्टोरिया बेन, ये क्या है? लाल भाई बिचारे मुसीबत में है और तुम ऐसे ऐसे डांस कर रही हो। जरा रास्ता दिखाओ ना, रास्ता। मैंने सब सुन लिया है, बट आई डोंट नो रास्ता बेब। पर मेरे को एक पतली गली मालूम है। पतली गली? इतनी छोटा वाला शॉर्टकट? शॉर्टकट मतलब? जो चाबी ताले को लॉक करती है। वही चाबी तो ताले को ओपन पन करती है ना। She is right. चाबी है मेरे पास। अगर आपके पास ऐसा कोई सबूत नहीं जो ये प्रूफ कर सके कि आप लाल बहादुर सिंह हैं, तो मैं एक ऐसे वकील को जानता हूं जो लाल सिंह में बहादुर डाल देगा। लेकिन इस काम के 50,000 रुपए लगेंगे। 50,000? सोच लो। 50,000 हम कहाँ से लाएंगे? हाल हाल खंडरी हाल। ये खाखरा भाई, ये गलत बात है। अभी आपने कहा था कि आप हमारी जायदाद की जिम्मेदारी उठाएंगे, अभी आप भाग रहे हैं। आपने क्या सोचा मैं भाग रहा हूँ? हाँ? सही सोचा। देखो अरे मगर मैं आपके 10,000 लेने भाग रहा हूँ। खाखरा भाई, 10,000 में तो सिर्फ बहादुर का बी और ए ही आएगा। तो तू बाकी का एच और एच दिला देना। फिर भी तो बाहा ही होगा, दूर तो वसीयत से दूर दूर है। भाई मैं पॉलिसी नहीं लूंगा। ठीक है, तो बेन को डिस्काउंट नहीं दोगे आप?
हाँ 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 वकील साहब, दो दो नारी जी आपसे रिक्वेस्ट करिए, प्लीज कंसेशन दे दीजिए ना। तू के साथ मैं पन फ्री, मैं पन रिक्वेस्ट करती है प्लीज। देखिए अब आप इतना जोर दे रही हैं। तो मैं ये काम 25,000 में करवा दूंगा, उससे कम नहीं होगा। अरे वाह, थैंक यू सर। अनु मलिक, हमारी जायदाद का थोड़ा भार तुम दोनों भी उठाओ ना। लालजी भाई, आपकी मदद करने के लिए हम अपने गाने तक बेच सकते हैं। मलिक, 10 रुपए नहीं 10,000 चाहिए। लाल भाई, हम 10,000 ही देंगे, झूठ क्यों बोलूं। हाँ हाँ, बाकी का इंतजाम हम खुद कर लेते हैं। चलो चलो, पैसे लाओ। लाल भाई, हाँ, ये हमारे 10,000। अच्छा, धन्यवाद। 20। लाल भाई, ये मेरे और खांडवी के 10,000 पूरे। धन्यवाद धन्यवाद साहेब। हाँ? मेरे भी 2,000। नहीं नहीं विक्टोरिया, माना कि सैलरी देने में हम 4-5 महीने लगाते हैं, लेकिन हमारे इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि हम तुमसे पैसे लें। टेक नो, वो क्या है, मैं पन वो जायजा जी का भार उठाना चाहती है। थैंक यू विक्टोरिया। और लाल जी, ये हमारे महिला संगठन की तरफ से 3,000। थैंक यू। हो गए 25? हाँ, पूरे 25। हाँ, जाइए दे दीजिए उन्हें। हेलो हेलो वकील साहब, ये अरे, ये पूरे 25,000 हैं। हाँ, अब हमारा काम करवा दीजिए। अरे हाँ हाँ, अभी कर देते हैं। मैं ही लाल बहादुर सिंह हूँ। अरे ये अवश्य ही कोई त्रुटि हो रही है। क्यों? आपने कहा था कि आप किसी को जानते हैं जो कि ये काम कर देगा, आप तो स्वयं ही कर रहे हैं। हाँ, हाँ। हम अपने अलावा और किसी को जानते ही नहीं हैं। ये लीजिए, बन गया आपका सर्टिफिकेट, एकदम पक्का सर्टिफिकेट है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। अरे आप वो सब छोड़िए, वसीयत तो पढ़िए। हाँ 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 हाँ, हम आपको अब वसीयत पढ़ के सुनाते हैं जी। एक्चुअली पढ़ के क्या सुनाना है, हम आपको वसीयत दिखाते हैं। एक्चुअली दिखाना क्या है, हम आपको वसीयत दे ही देते हैं। अच्छा। ये है आपकी वसीयत। अब हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट जाना है, हम चलते हैं। इसे खोलने के पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आप सब हमारी मुसीबत में इतना काम आए, तो अब इस वसीयत में जो भी निकलेगा सब इसके बराबर के हिस्सेदार होंगे। जल्दी खोलिए, जल्दी खोलिए। हाँ, जल्दी जल्दी खोलिए, जल्दी खोलिए। जरूर ये सोने के सिक्कों से भरा होगा। नाना भाभी, हीरो से भरा होगा। अच्छा अच्छा, एक मिनट, हम खुद ही देख लेते हैं। ये क्या है, इसमें चिट्ठी है? चिट्ठी नहीं, ये किसी छुपे हुए खजाने का पता होगा। जल्दी खोलिए, जल्दी खोलिए। हाँ, पढ़ते पढ़ते। मेरे प्यारे लाल बहादुर, मेरे पास यही एक आखिरी लोटा बचा है जिससे मैं आखिरी वक्त तक पानी पीती रही। हर बाप दादा अपनी पुश्तों के लिए कुछ ना कुछ छोड़ कर जाता है, और इसलिए मैं भी तुम्हारे लिए बहुत ही प्यार के साथ ये लोटा छोड़कर जा रही हूं, क्योंकि तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। इसको मैंने अपने अच्छे वक्त में पॉलिश करवाया था, यही भेज रही हूं। बस तुम इसे मेरी निशानी समझकर अपने ड्राइंग रूम में रख लेना, मुझे खुशी होगी तुम्हारी नानी जी। लेकिन लाल भाई, आप ऐसे खुश क्यों नजर आ रहे हैं? आपका तो 25,000 का नुकसान हुआ है। खांडवी भाभी, नानी के प्यार के सामने 25,000 कोई बड़ी कीमत नहीं है। विक्टोरिया, अनु मलिक, खाकरा भाई, हम आप लोगों के पैसे बहुत जल्द वापस कर देंगे। अरे कैसे बात कर रहे हैं लाल भाई, आप बोल रहे थे ना कि किराया बाकी है, तो वो समझ कर रख लो। अरे चुप कर यार। लाल भाई, आपने कहा था ने कि आपको जायदाद में जो कुछ भी मिलेगा उसके हम बराबर के हिस्सेदार होंगे। हाँ? तो अब आपको जायदाद में ये लोटा मिला है जिससे आपको नुकसान हुआ है, तो अब इस नुकसान के भी हम सब बराबर के हिस्सेदार होंगे। सही बात है, ताली। और वैसे भी
हमारे लालच की लुटिया डूबी है, लेकिन हमें नानी जी के प्यार की लुटिया तो मिल गई ना, झूठ क्यों बोलूं। और हाँ लालपन, कभी कभी हम लोग भी इस लोटे का पानी पी लिया करेंगे। ले लीजिए।